आंगनवाड़ी संगठन को आज से नहीं 1985 से ही हम सहयोग करते आ रहे हैं, और इनका जो मांग है, कितने बार पटना में भी धरना प्रदर्शन हुआ, नीतीश जी के समक्ष हुआ, लालू जी के समक्ष हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर दिल्ली में ये जंतर मंतर पर कितने बार जो है सो धरना प्रदर्शन हुआ किया गया, लेकिन ये सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो भी ठग दिया, सोनिया जी भी, सब के सब ठगते आ रहे हैं। इनके सुख शांति के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। मात्र 3000 रुपया मिलता है बिहार में, उससे क्या ये सरकार जो है, एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलता है 200 रुपया से ऊपर, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए जेल है। आ क्या ये देश के प्रधानमंत्री और मेनका गांधी के लिए, ये सरकार के लिए जेल नहीं है? इसके लिए भी होना चाहिए, कानून के दायरे में ही आना चाहिए। वकील साहब बैठे हुए हैं, समझते ही होंगे, तो इनको भी दायरे में आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ये 3000 रुपया से महिला क्या होगा? 3000 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, 3000 रुपये से किसी कोई काम नहीं बनता, और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, 100 से 300 रुपया देते हैं, लेकिन हम लोग को 100 रुपया मजदूरी मिलता है और 12 घंटा काम कराया जाता है। क्या काम करते हो आप? हम 12 घंटे का ये काम करते हैं, एक तो सुबह से उठकर केंद्र की सफाई, उसके बाद बच्चे को बुलाना, उसको पढ़ाने के लिए बैठाना, उसके बाद जब केंद्र बंद कर लेते हैं उसके बाद गिरी, उसके गिरी भ्रमण करना, फिर अब तो मोबाइल देकर हमसे ऑनलाइन काम करवाते हैं कि अब घर में रात में सोने जाओ तो दिन भर के वर्क को ऑनलाइन करो नेट द्वारा, ये सब कुल्हावन बुझावन काम करते हैं। अब मतलब जब हम लोग अपना रक्षण मांगते हैं तो कहते हैं आप लोग जीरो के बच्चे को पढ़ाते हैं, नेटा पोटा पोसते हैं, लेकिन काम क्या करो? ऑनलाइन करो, ऑनलाइन ऑनलाइन काम क्या करेगा? पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के मामले में कहते तुम लोग जीरो, आरक्षण देंगे, महिला को आरक्षण देकर बुर्बक बनाते हैं। आज के पेपर में वो लिखे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि एक बेटी 10 में भारी, एक नारी 10 में भारी, एक बेटी 10 में भारी, लेकिन अब ये बेटी 10 में भारी होकर उनको दिखाएगी, रियल में दिखाएगी। ये भाषण जो करते हो भाषण नहीं चले। हम आंगनवाड़ी से क्या है, हम जो है, हम है ना मालती देवी, हम बिहार से आए हैं, सीतामढ़ी जिला से हम आए हैं अपनी मांग मांगने के लिए। हमारी मांग है कि जो हम मेहनत करते हैं उसका सही मजदूरी चाहिए, क्योंकि हम जीरो से लेकर के 6 बरस तक के बच्चे को पोषण देते हैं, उसके बाद गर्भवती महिलाओं को मतलब टीका दिलवाना, उसको कार्ड भरना, उसको 6000 रुपया दिलवाना, और उसके बाद मतलब CDPO हो, DPO हो, LS हो, सभी को धमकी के अंदर एकदम दबाव के साथ जीना, उसके बाद और उप रजिस्ट्रार के दर्जा दे करके कहते हैं 20 रुपया जन्म मृत्यु पंजी बना, मतलब यदि रजिस्ट्रेशन करवाने के 20 रुपया है वो भी नहीं देते हैं, कन्या सुरक्षा के 20 रुपया है, आज तक 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला है, ऑफिस खाता है, कौन खाता है हम लोग को पता भी नहीं है, पूछते हैं तो झाड़ करके भगा दिया जाता है ऑफिस से, और ये सब रजिस्टर भरनी पड़ती है, गृह भ्रमण हम लोग को करना पड़ता है, फिर है 26 को रजिस्टर भरना पड़ता है, जो किशोरी बालिका है उनको सफाई के बारे में बतानी पड़ती है, और अब हम लोग को उसके लिए भी करना है कि कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसका रिपोर्ट दो, माने हर बात का हम लोग से BO का काम हम लोग से करवाया जाता है, फिर BL का काम करवाया जाता है, फिर